तो एक्सपीरियंस थोड़ा और क्रेजी हो गया है गाइस। जैसे कि हम लोग देख पा रहे होंगे पूरा बहुत बारिश हो रहा है। आप लोग प्राइवेट भी बोल सकते हो इसको, इस काइंड ऑफ लाइक पूरा बना हुआ है, इट्स लाइक ऑन। ओह माय गॉडनेस। सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप लोगों को एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। आई होप यू गाइस हैविंग रियली ग्रेट डे। सो कैसे हैं आप सब? अगर दिन सही भी नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं यार, इससे पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये दिन भी चला जाएगा, राइट, ये टाइम भी चला जाएगा। सो आज जो मैं जहाँ पर हूँ, देयर इज ओला बीच एज यू कैन सी गाइस। ओ माय गॉड, टू गुड यू कैन सी, और व्यू तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और ये जो बीच है, ये दिस इज नॉट बीच, दिस इज एक्चुअली कोला व्यू पॉइंट इतन से, जैसे कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसको आने के लिए मैं आपको लोकेशन पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जैसे कि आप आ सकते हो यहाँ पर इजीली। और थोड़ा सा यहाँ पर आने के लिए थोड़ा सा आपको ऑफ रोडिंग का भी ज़रूरत पड़ेगा, जो कि काफ़ी हॉट और दी है। लाइक मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आएंगे हम ऑफ रोडिंग तो आपको व्यू का मज़ा नहीं मिला, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इतना प्यारा सा व्यू मिल रहा है हमें अभी। तो एंजॉय द व्यू। इट जस्ट लाइक ए सुसाइड पॉइंट लाइक टाइप ऑफ हियर, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीधा टाउन में कुछ नहीं है भाई। तो बैठ के आराम से सनसेट पॉइंट देखने में इधर बहुत बहुत ही मज़ा आएगा, जैसे आप लोग देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सही जगह वगैरह भी है। आराम से यहाँ पर बैठ के आप फील कर सकते हैं इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में। और व्यू तो आप लोग देख ही सकते हो, इतना प्यारा व्यू लग रहा है। तो फिलहाल के लिए ये है सिनारियो यहाँ का, अभी ये लाइक व्यू पॉइंट। तो अभी हम उस रास्ते से जाएंगे, अभी हम सी बीच तरफ। तो यहाँ का थोड़ा व्यू आप लोग एंजॉय करिए, उसके बाद हम चलते हैं इस बीच, राइट। तो अभी चलो थोड़ा कोला बीच का नीचे चलते हैं, और यहाँ पर जाने के लिए आपको मस्त ऐसे स्टेयर्स वगैरह भी हैं, ईजीली यू कैन गो टू डाउन, राइट। बहुत ही सही लग रहा है। और ये जो बीच है, जैसे मैं आपको बता रहा कोला बीच, दिस इज बहुत ही सही है। और नीचे जब चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है अंदर, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है फिलहाल के टाइम में। सो लेट्स गो। और इस काइंड ऐसा व्यू रहता है जब देख पा रहे होंगे। And we reached to our first destination, that is Kola Beach, guys. As you can see. जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे फाइनली आई एम रिच। मतलब उधर से आना था मुझे, उधर से इधर आना था, ये व्यू पॉइंट बहुत ही सही है, एज यू कैन सी गाइस। आपको देखते तो पानी भी कितना सही मार रहा है बीच पे, आप लोग ऐसे टू गुड, राइट। एंड आज के वीडियो को थोड़ा सा और स्पेशल बनाने के लिए आज मैं हमारे साथ है मिस्टर मैकमिलन सिकोरा। आई इज वेरी स्वीट गाइस, बहुत ही। एंड ही इज फ्रॉम गोवा, राइट, ही इज फ्रॉम गोवा ओनली। एंड ही सजेस्ट मी कि आज हम लोग कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज एंड कोला बीच सेकेंड वन, बटरफ्लाई राइट। एंड उसके बाद आने टाइम पानी स्प्रिंग वाटरफॉल दैट आप लोग तो देखे होंगे, अगर कोई अगर गोवा अगर एक्सप्लोर करता है या फिर गोवा की चीज़ें अगर
देखते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को पहाड़ी वाटरफॉल आपको पता ही होगा, बड़ी वाटरफॉल राइट। तो आने टाइम हम वहाँ पर जाएंगे, मैंने क्या सीन है। लेकिन अभी तो बहुत ही प्यारा लगा इस व्यू देखने का लाइक। हाँ अभी उधर जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैं वो वहाँ पर था राइट। देयर इज अ ग्रेट व्यू ओवर देयर, हिल्स प्लस सी बीच, टू मच फन राइट। आप लोग भी आओ, पानी भी आप लोग देख सको कितना बहुत ज़्यादा स्पीड से मार रहा है। एंड इट इज ऑल्सो ए गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन बट ड्यू टू ऑफ सीजन बस थोड़ा सा टूरिस्ट लोगों का बहुत ही आना जाना कम है। बट इट्स ऑलरेडी क्या बोलते हैं सेप्टेम्बर, बट सीजन अभी आने वाला है और आप लोग यहाँ पर फॉरेनर्स हो गए और बहुत सारे टूरिस्ट लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड इज ए ऑब्वियसली कोलार बीच इज ऑब्वियसली इज ए वेरी गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन राइट। एंड यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे जो कि अभी ऑफ सीजन की वजह से ऑफ है, तो उस टाइम खुल जाएंगे गाइस राइट। और थोड़ा सा टफ था अभी ये जो लाइक ये जाता है भाई कोला बीच राइट। यहाँ पर एक ये है रेस्टोरेंट है, वहाँ पर थोड़ा सा अभी पेप्सी और समोसा खाने के बाद चलो अभी हम चलते हैं, बढ़ते हैं हमारा बटरफ्लाई बीच की तरफ राइट। तो लेट्स गो। रिच टू द बटरफ्लाई बीच टैंक, यहाँ पर जैसे मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे वहाँ पर आप अपना पार्किंग कर सकते हैं और पार्किंग आपके 50 रुपये ले रहे हैं भाई ये लोग। और पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा एक बटरफ्लाई कैफ़े भी है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, और कैफ़े भी है तो लंच डिनर कुछ अवेलेबल हो जाएंगे गाइस यहाँ पर। तो अभी हमें यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रेकिंग करना ट्रेकिंग करके जाना पड़ेगा राइट। सो यू रेडी? यस ब्रो, लेट्स गो लेट्स गो। और ये देखना है कि मैं वीडियोस देख रहा था जो कि लोग आते हैं यहाँ पर पानी वगैरह जमा रहता है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या सीन रहता है वहाँ पर राइट। लेट्स गो। सो दिस काइंड ऑफ ट्रैक करना पड़ेगा आप लोगों गाइस। तो एक्सपीरियंस थोड़ा और क्रेजी हो गया है गाइस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा बहुत बारिश हो रहा है, बहुत ही बारिश हो रहा है और बहुत लोग अभी कोई लोग बहुत लोग जा भी रहे हैं और बहुत लोग आ रहे हैं और जिसको जहाँ पर मिला वो वहाँ पर छुप रहा है, जिसको बारिश पसंद है वो घूम रहा है भाई है। तो हम तो ना रुके चलते जा रहे हैं, लेट्स गो। भीग गए तो फिर और क्या कहीं पर रुकना है। जो भी हो गाइस ऐसे जगह पर आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा, पर जो भी हो द क्रेज इज हाई, तो इसलिए इतना टूरिस्ट लोगों का अट्रैक्शन है यहाँ पर जाने का, तो यहाँ पर जाके ट्रैक करके जाने का तो बनता ही है राइट भाई। ट्रैकिंग हो रहा है पूरा गजब का, पूरा कैसे कैसे रास्तों से निकल के जाना पड़ रहा है भाई। एज यू कैन सी गाइस मैं फिर से हाय, ऐसे ऐसे जगह जगह आपको जाना पड़ेगा, तो बी केयरफुल गाइस। जो 2-3 किलोमीटर ट्रैकिंग कर सकता है ना मतलब ऐसे जगह पर वही लोग आना भाई, वरना पालोलेम भी जाके आप लोग ये लेना। सो फाइनली वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन गाइस, लेडीज बटरफ्लाई बीच। लग तो रहा है
और थो वाचिंग, इतना तो ट्रैकिंग करके आके फ़ायदा है एंड सो मच ऑफ टूरिस्ट राइट नाउ। सो फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, इस काइंड ऑफ प्राइवेट बीच यू कैन स्टे गाइस, आप लोग प्राइवेट बीच बोल सकते हो इसको, इस काइंड ऑफ लाइक बना हुआ है, इट्स लाइक ऑल कवर फ्रॉम ऑल साइड। तो अभी चला आप लोग स्ट्रीट में एंजॉय लीजिए गाइस। सो फाइनली आई एम रीच टू माई प्लेस, दैट इज बटरफ्लाई बीज एज आई कैन से, और लोग ऐसे ही यहाँ पर एंजॉय करते हुए कपल्स, और हम तो सिंगल है क्या बोल सकते हैं। सो एंजॉय योर ओन कंपनी गाइस एंड यू कैन जस्ट कम ओवर योर, एज यू कैन सी द ब्यूटीफुल लोकेशन राइट, मेसमराइजिंग राइट। तो देखते हैं अगर नहा सकते हैं तो नहाएंगे, इसमें क्या सीन है राइट। तो अभी बस बारिश होकर रुका है, सो अभी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स वर्थ वॉचिंग, इसीलिए लोग मतलब आधा घंटा 45 मिनट्स ट्रैकिंग करके यहाँ पर आते हैं इस व्यू को लेकर, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सो फेमस राइट। अब जैसे ही आपने देखा अभी वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर राइट, तो आप लोग भी आओ आ सके यहाँ पर आराम से इंजॉय कर सकते हैं गाइस। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। फाइनली आई रीच्ड इन बड़ी वाटरफॉल गाइस, तो आज पूरा ऑफ रोडिंग का मावन हो गया, इट्स एंड रियली ब्यूटीफुल, चलेगा। और थोड़ा सा हेक्टिक भी हो गया था पूरा, और बॉडी पूरा हेक्टिक हो गया, बॉडी थोड़ा सा ये लग रहा है, टायर्ड लग रहा है, तो थोड़ा सा अभी रिलैक्सेशन के लिए वाटरफॉल राइट। Let's go. And one more thing guys, अगर आप लोग आ रहे हो कहीं भी गोवा में भी राइट, मैकमिलन टोल मी वन ब्यूटिफुल थिंग्स कि डोंट थ्रो लिटर एनीवेयर गाइस, कहीं पर भी लिटर मत फेंका करो राइट। सो वो चीज़ थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, कीप गोवा क्लीन गाइस राइट। तो अभी मैं लोकेशन की तरफ बढ़ते हुए पहाड़ी वाटरफॉल को, I can just hear the sound of the waterfall, right? It's looking really beautiful. So finally we are here. It's looking pretty beautiful. Oh my goodness. Really beautiful, right? तो अभी थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फील करेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा राइट, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाते रहता हूँ राइट। और बहुत जल्दी मिलते हैं एक गोवा का और एक नया लोकेशन पर बहुत ही जल्दी राइट, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो से लाइक करना, वीडियो से शेयर करना गाइस।